हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट के वीडियो में मैंने कंपेयर किया था धन को और एम स्टॉक को, जिसमें कि जो हमारा विनर था वो था धन। अब एक बार फिर से धन को कंपेयर करते हैं, एक बार ग्रोथ से देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं धन के बीच में और ग्रोथ के बीच में। तो देखना होगा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित होता है। तो चलिए चलते हम सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि हमें तो भाई यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि भाई अगर इस एप्लीकेशन को हम अगर यूज़ कर रहे हैं, इस स्टॉक ब्रोकर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो अगर धन की बात करें तो फिर धन का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको अगर एकदम स्टार्टिंग से आप अगर ट्रेड करने जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप एक बिगिनर हो, तो फिर वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। वहीं अगर ग्रो की बात की जाए तो ग्रो का यूज़र इंटरफेस भी ठीक है और उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी कोई एडवांस चीज़ें नहीं है। तो ऐसे में जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मुझे दोनों के कंपैरिजन में, अगर एम स्टॉक से अगर कंपेयर किया जाए ग्रो को, तो फिर ग्रो का तो बेहतर है। लेकिन वहीं अगर ग्रो को अगर कंपेयर किया जाए धन के साथ, तो फिर धन का मुझे कहीं ना कहीं और थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं यूज़र बेस की। अगर धन की बात किया तो धन के पास 1 मिलियन से अधिक यूज़र्स हैं जो कि एक्टिव हैं। वहीं अगर ग्रो की बात करें तो फिर इनके पास 2.8 मिलियन का यूज़र बेस है। वहीं अगर टाइम की बात की जाए तो फिर धन को आए हुए मार्केट में 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। अगर ऐसे में 1.5 साल के अंदर कोई ब्रोकरेज फर्म अगर इतने ज़्यादा अगर यूज़र्स अगर गेन कर लेती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि वो अपने यूज़र्स के जो नीड्स हैं उसको वो फुलफ़िल कर पा रही है। साथ ही साथ आप इसके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको IPOs में अगर आपको अप्लाई करना हो तो इन दोनों ऐप में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से आप अगर चार्ट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये फीचर धन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप डायरेक्टली आप चार्ट से ऑर्डर्स को अपने प्लेस कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कोई शेयर आपको खरीदना है तो वो आप खरीद भी पाएंगे और सेल भी वहीं से आप कर पाएंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को देखते हुए। तो फिर अगर आप चार्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ यार यहाँ से अभी हमें खरीद लेना है, तो फिर आप वहीं से आप उन सारी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो 50,000 रुपये के आसपास की जो कीमत वाला जो आपको ट्रेडिंग व्यू से आप देखते हैं चार्ट्स को, वो आपको धन बिल्कुल बिल्कुल फ्री में देगा है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अंदर आपको 100 से भी अधिक इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर तो बना ही सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे फीचर्स ग्रो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर AMC चार्ज की बात की जाए, जो एनुअल जो चार्ज लिया जाता है इन लोगों के तरफ से, तो 0 रुपीज़ दोनों ही ऐप में है। के अंदर आपको कोई भी एनुअली आपको सब्सक्रिप्शन का चार्ज इसमें नहीं देना होगा दोनों ही ऐप के अंदर। और इसके साथ धन आपको एक अलग से एक ऑप्शंस ट्रेडर बाय धन का एक ऐप देता है, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी बिल्डिंग और ऑप्शंस में कॉल्स एंड पुट्स जो आप करते आए हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड ऐप मिल जाता है। तो वहीं अगर ग्रो की बात की जाए तो ग्रो आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता है। अब अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन की अगर बात की जाए, जब हम ऑप्शंस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो फिर जो अप टाइम है सर्वे की तरफ से, अप टाइम वो मुझे एकदम अप टू डेट लगा धन की तरफ से। कभी ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। बहुत इनिशियल स्टेज में भी जब ऐप्स के जब डेवलपमेंट होते हैं, जब ऐप्स बनते हैं या फिर जब ऐसे ऐप्स बनाए जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ऐसे में डिलेज दिखते हैं और 2 से 3 साल तक का तो ऐसा ये ग्लिच तो दिखता ही दिखता है। वहीं अगर धन की बात की जाए तो फिर 1.5 साल, जैसा मैंने आपसे कहा कि 1.5 साल भी नहीं हुए हैं इन्हें मार्केट में आए हुए, और ऐसे ग्लिचेस इनके में नहीं दिखे हैं मुझे फ़िलहाल के लिए। वहीं अगर एम स्टॉक में भी मुझे वो दिखा है ऐसे ग्लिचेस ऑप्शंस में भी, और वहीं अगर ग्रो की बात की जाए तो फिर ग्रो के भी मेरे साथ 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन में 2 से 2.5 सेकंड का लेट हो गया है। अगर 2 से 2.5 सेकंड भी अगर लेट हो जाता है मार्केट में, तो आपको मालूम है कि कितने ज़्यादा हमें लॉस के साथ फेस करना पड़ सकता है चीज़ों को। धन के अंदर आपको एक स्ट्रेटजी नाम का एक फीचर मिल जाएगा, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म में जिन स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको उनके सजेशंस मिल जाएंगे कि चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। वहीं अगर ग्रो की बात की जाए तो फिर ऐसा कुछ भी ग्रो के अंदर
नहीं है। वहीं अगर ब्रोकरेज चार्ज की बात की जाए तो फिर अगर रुपीज़ में अगर देखा जाए तो फिर रुपीज़ में तो दोनों ही सेम है, 20 रुपये दोनों के जो है ब्रोकरेज हैं, 20-20 रुपये। अगर में भी आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं, धन में भी आपको 20% देने पड़ते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो फिर धन यहाँ पे आपसे लेता है 0.03% आपसे ब्रोकरेज लेता है, और वहीं अगर ग्रो की बात की जाए तो फिर आपसे ये 0.05% ये आपसे ब्रोकरेज लेता है। वहीं अगर धन की अगर बात करें तो फिर ये थोड़ा सा ये लोवर है और इसमें आप थोड़े और ज़्यादा अपने पैसे बचा सकते हैं। वहीं धन एक स्पेशल डिस्काउंट्स देता है अपने फीमेल ट्रेडर्स के लिए, जो कि आपका जो ब्रोकरेज ये लोग लेते हैं उसमें से आपका 50% डिस्काउंट हो जाता है उन सारे फीमेल ट्रेडर्स के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो इन दोनों ऐप से आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन के अंदर आप इक्विटीज़, एफएनओज, कमोडिटीज़ और करेंसीज़ और एमसीएक्स, एनएससी, बीएससी पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ग्रो की बात की जाए तो इसके अंदर आप एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेन गेटवे की अगर बात की जाए, अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो दोनों ही ऐप आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेती है कि आप अगर पेमेंट आपको अगर ऐड करना है या फिर विड्रॉ करना है, तो ऐसे में आपसे दोनों में से कोई भी ऐप आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगी। उसके साथ में धन के अंदर बास्केट ऑर्डर्स को भी आप प्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स को एट अ टाइम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ऑर्डर्स की लिस्ट आप बनाते जाइए, उसको आप बास्केट में ऐड करते जाइए, जैसे अपना ऐड टू कार्ट वाला जो फीचर होता है उस टाइप का बास्केट ऑर्डर का जो यूज़र इंटरफेस होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। आप एक साथ जो है ऑर्डर्स को आप अपने एग्जीक्यूट कर पाएंगे, धन आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल जितने भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आमतौर पे मुझे जो धन का पड़ला है वो ज़्यादा भारी नज़र आया है। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है कि धन इस मामले में विनर है। ग्रो वर्सेस धन के अंदर धन को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऐसे में आपको धन को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आपको ट्रेडिंग व्यू से आप चार्ट्स को आप एक्सेस कर पाएंगे और अपने ट्रेडिंग व्यू और धन के अकाउंट को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसी चैनल के अंदर वो वीडियो पड़ी हुई है, और आप चार्ट्स से आप डायरेक्टली इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जो ब्रोकरेज फीस है वो भी इसके अंदर कम है, और महिलाओं को इसमें 50% ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है अदर देन दूसरे ऐप्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर बास्केट ऑर्डर्स आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, 100 से भी अधिक इंडिकेटर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 1000 से भी अधिक स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको अगर एक डेस्टिनी पे अगर मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए वही एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो आपको धन को जरूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। अगर आप धन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल के प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंपेयर किया धन को और ग्रो को, जिसमें कि विनर रहा धन। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।